हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल नेश बाइकर आता रहो। सो गाइस, फाइनली आज बहुत टाइम के बाद हॉट व्हील्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन बहुत ही अच्छा वीडियो है क्योंकि 2025 का एक इस हॉट व्हील्स का पूरे जितने भी बेस्ट कार्स है सब के सब मेरे पास है। ये देखो, ऑलमोस्ट इट्स 20 to 23 कार्स है। एक एक करके सब दिखाता हूँ। और मैंने एक जो है वो गाड़ी डबल ली है, वो कौन सी वो भी मैं आपको बताता हूँ। मुझे बहुत गाड़ी पसंद आई है और वो 2025 के लिए नहीं है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो, फटाफट चालू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले अपनी टेस्ला की साइबर ट्रक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी कार है, देख सकते हो टेस्ला साइबर ट्रक है। और ये क्यू के से कैरी फॉरवर्ड है, तो इसके लिए इसका 2025 का ये जो नया कार्ड आया है कार्ड आर्ट वो इसमें नहीं है। जो पुराना वाला है वही उसको कैरी फॉरवर्ड किया था, पता नहीं मुझे। सो देख सकते हो पीछे के 179 MRP और सब मैंने MRP पे लिया है। और ये जो कास्टिंग है बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने क्यू केज में भी टेस्ला साइबर ट्रक लिया है, तो मेरे पास टोटल अभी दो साइबर ट्रक है, तो एक मैं अनकार्ड करने वाला हूँ इसको। तो या इट्स अ ग्रेट एडिशन और मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें फ्रंट में हेडलैम्प्स के भी डिटेल्स है और पीछे के साइड पे टेल लैम्प्स के भी डिटेल्स है। सो एक नंबर अच्छी वाली गाड़ी। और ये SW रोलिंग मेटल सीरीज से आते हैं, तो ये पूरा जमैक टाइप का जो लुक होता है उसके ऊपर है। और पीछे के साइड पे देख सकते हो जो बेड होता है वो बेड कवर भी लगा हुआ है, तो एकदम प्रीमियम लगता है। और जो व्हील्स वगैरह है और जो फिनिश है वो मुझे बहुत ही पसंद आया, और मुझे टेस्ला साइबर ट्रक बहुत ही पसंद है। सो अभी नेक्स्ट गाड़ी दिखाता हूँ। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, और ये सबसे फेवरेट और मोस्ट हाइप कार ऑफ द 2024, दैट इज द हॉट व्हील्स फोर्ड मस्टैंग डार्क हॉर्स। सो डार्क हॉर्स देख सकते हो अब कितनी बड़ी और ब्यूटीफुल सी कार है ये। और ये क्यू केस में सबसे हाइप्ड और मोस्ट एक्सपेंसिव कार थी, देख सकते हो आप इसमें। इसके जो फ्रंट के जो डिटेल्स है वो बहुत ही बड़े, इसमें फोर्ड मस्टैंग का लोगो आता है यहाँ पे। फिर जो हेडलैम्प्स के डिटेल्स है वो भी एकदम परफेक्ट है। और जो ये ब्लू कलर का जो पेंट वर्क है और जो व्हील्स है और जो बेस है वो एकदम बढ़िया है। और इसकी जो विंडोज वगैरह है इसके अंदर से भी आप देख सकते हो। और इसके ऊपर बोनेट पे भी स्ट्राइप्स है, बोनेट और रूफ पे बहुत ही अच्छे लग रहे। और पीछे के साइड पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेल एम का लोगो है, फिर GT का लोगो है, मतलब डार्क हॉर्स का लोगो है। एग्जॉस्ट की भी डिटेलिंग्स है, क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए, प्लस यहाँ पे जो नंबर प्लेट है यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क हॉर्स लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर प्लेट पे। कैमरा फोकस नहीं कर रहा है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे। ये देख सकते हो यहाँ पे। मैं नेक्स्ट कार दिखाता हूँ। एक्चुअली ये फैंटेसी कार है। ये है रेट्रो एक्टिव और ये क्वार्टर माइल हीरोज से, तो इसमें बुगाटी शिरोन, मैकलरन P1 और टेस्ला मॉडल एस फ्लैट भी थे और एक गाड़ी है, तो वो मेरे को सीरीज कंप्लीट करनी थी इसके लिए मैंने इसको लिया। ये फैंटेसी कार है लेकिन बहुत ही अच्छी है फैंटेसी दिखने में। ऊपर 01 नंबर लिखा है और डिकेल्स अच्छे है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है, ऐसा लग रहा है कि ड्रैगस्टर टाइप की कोई गाड़ी है। तो फिर आते अभी क्यू केस की कार्स खत्म हो गई, अभी ए केस की जो न्यू कार्स है वो दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, सबसे पहले आती है अपनी हॉट व्हील्स की बैटमोबिल, बैटमैन एंड रॉबिन बैटमोबिल। और ये 2025 का जो नया कार्ड आर्ट है वो आया है, यहाँ पे ऊपर बैटमैन एंड रॉबिन का लोगो है, ये देख सकते हो यहाँ पे आप। ये जो कुछ इल्यूजन है व्हाइट कलर का वो दिया गया है। फिर इसका जो टेक्स्ट है वो फॉन्ट वगैरह चेंज है, यहाँ पे बैटमैन का भी जो साइड में जो उनका फॉन्ट और लेटरिंग होता है वो भी चेंज्ड है 2024 के केस में। ये 2024 का कार्ड है और ये 2025 का कार्ड है, तो आप जो फॉन्ट साइज वगैरह है वो चेक कर सकते हो दोनों कार्ड आर्ट का जो। और 2024 के इसमें आपको हॉट व्हील्स का भी लोगो आता था पीछे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ हॉट व्हील्स ऊपर लिखा है, बैकग्राउंड में नहीं है। नेक्स्ट है अपनी लोटस के टाइप 49 और ये बहुत ही SW रेस्ड है सीरीज से, ये क्यू केस में आई थी, ये कैरी फॉरवर्ड है ए केस में 2025 के लिए। और ये चार पांच केस पहले भी आई थी M या N केस में, तो उसमें यहाँ पे जो नंबर 4 लिखा है वहाँ पे नंबर 5 था और क्यू में नंबर 4 आया है, तो कार्स में सिर्फ नंबर चेंज हुआ है, तो ये रीवेरिएशन है लेकिन बहुत ही अच्छी है और बेहतरीन है, यू कैन ऐड इफ यू वांट। नेक्स्ट फॉर द 2025 ए केस, ये ब्यूटीफुल सी ऑडी 87 क्वात्रो और ये बहुत ही बेहतरीन से ब्लू कलर के या टील कलर का जो कलर आता है उसमें आई है शेड में, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और ये एक इसकी STH आ जाती है, सुपर ट्रेजर हंट, लेकिन ये मेनलाइन वर्जन है। जो STH होता है लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता कि यहाँ पे
TH का लोगो आता है जहाँ पे ऑडी लिखा है, इसके ऊपर TH लिखा हुआ है, और नीचे के साइड पे जो बेस है कार्ड आर्ट उसके पीछे आपको गोल्डन कलर का फ्लेम का लोगो दिखेगा, तो अगर वो है तो वो STH होता है, लेकिन ये मेन लाइन वर्जन है और यहाँ पे TH भी नहीं है और नीचे लोगो भी नहीं है, लेकिन ये बहुत, और वो ग्रीन कलर में आती है स्पेक्ट्रा फ्लेम, ग्रीन कलर में आती है वो, और ये थोड़ा सा टील टर्कोइस कलर में है, तो आप वो देख सकते हो, अगर आपको मिलते तो अच्छी बात है, नहीं तो मेन लाइन वर्जन भी बहुत ही अच्छा है, STH के बराबर ही है, और इसमें जो डिटेलिंग है वो भी बहुत ही बढ़िया है, आगे कोत्रो की बैजिंग दी गई है, फिर हेडलाइट्स की भी डिटेलिंग है, आगे कोत्रो लिखा है, ऑडी का लोगो है, फिर इंडिकेटर और फॉग लैम्प का भी डिज़ाइन है, साइड में ऑडी का लोगो है और यहाँ पे हॉट व्हील्स का लोगो है, पीछे से कोई इतनी खास डिटेलिंग्स है नहीं, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड कास्टिंग, क्योंकि ये STH का मेन लाइन वर्जन है तो इसकी बहुत ही अच्छी डिमांड है, तो यू कैन कंसिडर दिस बाइंग। सो नेक्स्ट बढ़ते अपनी ब्यूटीफुल से एक JDM कार, और हॉट व्हील्स ने 2025 के जो कार्स है उसमें नया सीरीज लॉन्च किया, दैट इज HW70 वर्सेस 90s। सो ये आई थिंक 70s वाली है, होंडा सिविक EF90, तो इसमें ऊपर सनरूफ का भी डिटेलिंग है, पीछे के साइड पे कोई इतनी खास डिटेलिंग्स है नहीं, ना होंडा का लोगो है, ना टेल लैंप्स है, या और डिटेल नहीं है, साइड में देख सकते हो आप ब्यूटीफुल सा सिविक का लोगो है यहाँ पे पीछे वाले फेंडर पे, व्हील्स बहुत ही बढ़िया दी गए, VTEC का लोगो है, इंडिकेटर और डोर का लोगो है, सामने के साइड पे भी देख सकते हो आप कि होंडा का लोगो है और हेडलाइट्स की डिटेलिंग है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये, सो यू कैन कंसिडर दिस बाइंग, और ये भी बहुत ही अच्छी डिमांड में अभी फिलहाल, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते अपना ब्यूटीफुल सा शेवी का पिकअप ट्रक है ब्लू कलर में, दैट इज 67 शेवी C10 HW हॉट ट्रक सीरीज से है। सो फ्रंट में कोई खास डिटेलिंग्स है नहीं, ना शेवी का लोगो है, हेडलैम्प्स वगैरह कुछ भी डिटेलिंग्स नहीं है, साइड में देख सकते हो ब्यूटीफुल सा आर्ट वर्क और जो डिज़ाइन है वो बहुत ही अच्छा किया गया है, पीछे भी कुछ टेल लैम्प्स या फिर शेवरले का लोगो नहीं लिखा है, ऊपर देख सकते हो जो टॉप है वहाँ पे भी ग्रफिटी की गई है, और जो डिकैल्स वगैरह है डिज़ाइन बहुत ही अच्छा पेंटिंग किया गया है, और पीछे के साइड पे हॉट व्हील्स का लोगो है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा गाड़ी लगा मुझे, इसके लिए लिया है मैंने, यहाँ पे ऊपर शेवी लिखा है लेकिन आगे बोनेट वगैरह पे किधर भी कुछ लोगो वगैरह दिया नहीं गया है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो बाइंग, इट इज़ अराउंड 7.5 out of 10 सो मेरे हिसाब से। सो क्यू के इसकी और एक हाइप कार बुगाटी बोलिड, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबको पता है बुगाटी बोलिड की हाइप क्या है, मतलब बुगाटी की जो शिरोन आई थी, और इसमें बोलिड में भी आई थिंक जे या के इसमें येलो कलर आया था, तो ये री कलर वेरिएशन होके ये अभी रेड कलर में आई है, सो फ्रंट में भी अच्छे डिटेल्स है, बुगाटी का लोगो है, हॉर्सशू ग्रिल है, फिर एयर वेंट्स और जो ओपनिंग्स है वो भी अच्छी है, प्लस इसमें हेडलाइट्स की भी डिटेलिंग है, साइड में भी पेंट स्कीम अच्छी है, जो टायर्स पे भी इसका रेड कलर का लोगो दिया गया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, फिर ऊपर से भी अच्छा। सो बुगाटी के बाद आती है और एक मेरी मोस्ट फेवरेट कार, सो ये HW EV सीरीज से टेस्ला मॉडल स्प्लैड, इसकी तो डिटेलिंग्स जो क्यू के इसमें आई थी ब्लू कलर में उसके भी एकदम परफेक्ट है, सो सिर्फ कलर चेंज हो गया है, अभी ये मरूनिश रेड कलर में आई है, सो फ्रंट में भी टेस्ला का लोगो है, हेडलैम्प टेल हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स का भी अच्छा डिज़ाइन दिया गया है, साइड में भी बहुत ही अच्छा पेंट स्कीम है, और पीछे के साइड पे भी देख सकते हो आप टेस्ला का लोगो है, फिर नंबर प्लेट पे भी प्लैड लिखा हुआ है, फिर टेल लैम्प्स की भी डिटेलिंग है, सो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कास्टिंग, और मैंने तो लिया है क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लगी टेस्ला की कार्स, तो उसमें सब में डिटेलिंग्स अच्छी होती है, सो आई हैव कंसिडर दिस बाइंग, यू कैन कंसिडर अराउंड 8 out of 10 सो यू कैन बाय इट। सो नेक्स्ट इज द अगेन बहुत टाइम बाद ये गाड़ी लॉन्च हुई है, मतलब हॉट व्हील्स ने रियलाइज किया इसको, दैट इज द कस्टम कैडिलैक फ्लीटवुड, ये एक विंटेज टाइप की कार है, और देख सकते हो 2025 में ये आई है, 2023 या 2024 में नहीं आई थी है, बहुत पहले आई थी ये गाड़ी, लेकिन अभी जो इसका ग्रीन और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है एकदम परफेक्ट है, इधर डोर पे हॉट व्हील्स का लोगो, साइड में व्हाइट स्ट्राइप्स दिए गए, और ये इसकी जो लेंथ है ना बहुत ही बढ़िया है, मतलब सबसे लंबी कार है ये हॉट व्हील्स में आई थिंक, ऊपर देख सकते हो ओपन, आई थिंक ये वन सीटर गाड़ी है यहाँ पे, क्योंकि एक ही सीट दिख रहा है और जो पैसेंजर साइड है वो क्लोज्ड है, पीछे के साइड पे कोई खास डिटेलिंग्स है नहीं, सिर्फ स्ट्राइप्स दिए और एग्जॉस्ट की डिटेल्स दिए थोड़े, और साइड में फेंडर्स जो है पीछे का जो फेंडर है वो लो राइडर जैसा किया है, तो हाफ ही व्हील दिख रहा है, और फ्रंट साइड में भी कुछ खास डिटेलिंग्स है नहीं, कैडिलैक का भी लोगो नहीं है, और हेडलैम्प्स की भी डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ प्लेन नॉर्मल सा लुक है, लेकिन एकदम बढ़िया कास्टिंग है, मुझे चाहिए थी बहुत टाइम से,
और ये मुझे 179 में मिले तो और क्या चाहिए, क्योंकि ये जो पहले आई थी तो अभी बहुत इसका रेट है अराउंड 700-800 तक भी जाती ही है, जो पहले वाली आई थी बहुत टाइम पहले। ओके, सो फाइनली वी हैव ऑल्सो गॉट अ गुड कास्टिंग ओवर हियर, दैट इज 21 फोर्ड ब्रोंको। ये फॉरेन में बहुत रिलीज हुई लेकिन आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम एक इस 2025 में आई है ये, और इसका जो कलर स्कीम है बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रंट में ना हेडलैम्प्स की डिटेलिंग है, ना फोर्ड का लोगो है, ना ब्रोंको लिखा हुआ है, ना फॉग लैम्प्स का डिजाइन है, देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ प्लेन है। ऊपर रूफ पे भी आप जो बोनेट है वहाँ पे ग्राफिटी की हुई है और नंबर 2 लिखा है, साइड में ब्रोंको का लोगो है, प्लस यहाँ पे BF गुड रिच का लोगो है, नंबर 2 लिखा है, हॉट व्हील्स का लोगो है, और ये ब्लैक और येलो का जो शेड आ रहा है सिल्वर के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, और जो इसके जो व्हील्स है ये गोल्डन विद ब्लैक बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और पीछे के साइड में भी टेल लैम्प्स फोर्ड ब्रोंको का लोगो नहीं है, तो दैट इज अ डिसअपॉइंटिंग थिंग। सो आई विल कंसिडर दिस अराउंड 7.5 out of 10, अगर पूरे डिटेल्स होते तो 10 out of 10 होता, फ्रंट में होते तो 8.5 होते, लेकिन ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई है तो आई हैव बॉट दिस। सो अगेन अ ब्यूटिफुल कास्टिंग, ये भी एक विंटेज कार है, दिस इज द कस्टम 53 शेवी। साइड में देख सकते हो आप SW टिकी टाइम का लोगो है, यहाँ पे ग्राफिटी की गई है, और पीछे के साइड पे भी लोगो नहीं है, या फिर टेल लैम्प या फिर एग्जॉस्ट वगैरह कुछ भी डिटेलिंग्स नहीं है, लेकिन क्रोम का बम्पर दिया गया है और आई थिंक प्लास्टिक बेस है, और सामने के साइड पे भी क्रोम का बम्पर दिया गया है, और फ्रंट में भी कोई अच्छी डिटेलिंग्स है नहीं, ना शेवी का लोगो है, ना टेल हेडलैम्प्स है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बोनेट और जो रूफ है उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि इसका जो इंजन भी है ना गाइस वो ट्रांसपेरेंट है, तो आप इसका जो इंजन है ना वो देख सकते हो अंदर, यहाँ पे स्प्रिंग्स वगैरह लगाए गए हैं और ये ट्रांसपेरेंट बोनेट है, तो जब आप इसको रियल में लोगे ना तो बहुत ही अच्छा एडिशन होगा। और ऊपर ऐसा स्टोन आर्ट किया गया है यहाँ पे बोनेट आई थिंक रूफ पे, बहुत ही अच्छा है, ये मैंने अभी नोटिस किया, जब मैंने लिया था तब मैंने देखा नहीं था, इसका बोनेट जो है वो ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें से आप देख सकते हो अंदर इंजन जो है ना इसका वो आप देख सकते हो अंदर, सो यू कैन कंसिडर दिस बाइंग। अगेन न्यू फॉर 2025, ये पहले भी आई है लिबर्टी वॉक वाली निसान स्काईलाइन 2000 GT-R, ये ट्यून्ड वर्जन में लास्ट ईयर 2024 के जो केस थी उसमें आई थी, ब्लू कलर में थी, इस बार पर्पल कलर में आई है, पर्पल वॉलेटिश कलर। सो फ्रंट में इसका हेडलैम्प्स का डिटेलिंग है, और वो रेडिएटर का जो होता है ना स्पॉयलर डिफ्यूज़र के नीचे यहाँ पे वो दिया गया है, साइड में ब्यूटीफुल सा वाइट जो स्ट्राइप है पर्पल के ऊपर एकदम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है विद द गोल्डन रिम्स, और अच्छा लग रहा है। विंडो ओपन है, लिबर्टी वॉक लिखा है, हॉट व्हील्स का लोगो है, पीछे कुछ खास डिटेलिंग्स है नहीं, ना टेल लैम्प है या फिर लोगो नहीं है, तो कुछ भी डिटेल्स नहीं पीछे, सो यू कैन कंसिडर दिस बाइंग इफ यू वॉन्ट। ओके, सो फाइनली कमिंग टू द रेगुलर ट्रेजरेंट ऑफ द 2025 ए केस, दैट इज फ्रॉम द SW फर्स्ट रिस्पॉन्स, दैट इज द फोर्ड परफॉर्मेंस सुपर वैन 4। तो फ्रंट में इस पे कोई भी डिटेलिंग्स नहीं है, लोगो नहीं है या हेडलाइट्स नहीं है, साइड में देख सकते हो ब्यूटीफुल सा रेड कलर का शेड दिया है, और यहाँ पे पीछे के साइड पे देख सकते हो फ्लेम का लोगो है नियॉन कलर में, और SW लिखा है, फर्स्ट रिस्पॉन्स लिखा है, फोर्ड का लोगो है यहाँ पे फ्रंट फेंडर के ऊपर, फर्स्ट रिस्पॉन्स लिखा है, हॉट व्हील्स का भी लोगो है, क्योंकि एक आई थिंक एम्बुलेंस टाइप की कार ही है, गाड़ी है, और पीछे इसके बहुत ही बेहतरीन डिजाइन और लुक्स दिया गया है, फोर्ड लिखा है, सुपर वन लिखा हुआ है, टेल लैम्प्स की भी डिटेलिंग है, एग्जॉस्ट की भी डिटेलिंग है, प्लस नियॉन कलर का जो ये शेड है पीछे के साइड पे, और इसके अंदर का जो बेड है एकदम परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे के देख सकते हो आप सिल्वर कलर का लोगो है, सो ये रेगुलर ट्रेजर हंट है, तो ये मुझे मिला तो बहुत ही अच्छा एडिशन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कार, दैट इज फर्स्ट टाइम हॉट व्हील्स ने इंट्रोड्यूस किया इसको, और वो 2025 में न्यू है, इसके लिए आप ये लोगो दिया है, तो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कास्टिंग, दैट इज मॉर्गन सुपर 3। तो गाइस ये एक थ्री व्हीलर है, और ये ब्रिटिश जर्मनी यूनाइटेड किंगडम में गाड़ी बनती है, और ये इंडिया में आई थिंक मतलब फर्स्ट टाइम ही लॉन्च हुई है ये, तो ये इसके लिए 2025 में मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसमें आप देख सकते हो ये थ्री व्हीलर है, तो आगे दो व्हील्स आते हैं, और आगे दो व्हील्स है और पीछे एक सिंगल व्हील है, और इसमें एक आदमी बैठा हुआ है, और इसमें फ्रंट में हेडलैम्प्स वगैरह के या लोगो वगैरह कुछ भी डिटेल्स नहीं दिया गया, लेकिन साइड में देख सकते हो आप फ्लेम है, फिर SW का लोगो है, 03 नंबर लिखा है, साइड में एक्स का लोगो है, ऊपर भी SW का लोगो है,
और पीछे बारकेटा स्टाइल अच्छा दिख रहा है, और ये जो ब्लू कलर का जो शेड है, और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो सुपर मॉर्गन लिखा हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया कास्टिंग है। और मैं इसको अनकार्ड करने वाला हूँ, तो यही मैंने और एक लिया हुआ है, तो उसको मैं शो नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास दो है, एक ये वाली है और एक मैंने रखी है अंदर, क्योंकि मैंने उसको अनकार्ड कर दिया है, तो वो मैं डिस्प्ले में रखी है मेरे, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये मेरी फेवरेट कार है सब में से, सो आई हैव कंसिडर दिस बाइंग टू, और मैंने इसको अनकार्ड भी किया हुआ है। तो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर मोस्ट ब्यूटीफुल कास्टिंग ऑफ द 2025 AKs। ये कैप्टन अमेरिका स्टाइल में आई है ब्यूटीफुल सी माजदा एटोजैम। तो इसके जो बड़े बड़े व्हील्स है, और ये और जो ओवरऑल कास्टिंग है ना, बहुत ही बेहतरीन है। पिछले साल आई थी व्हाइट कलर में, लेकिन वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुई थी, तो इसके लिए वो इंडिया में कभी आई नहीं थी, इम्पोर्ट हुई थी, लेकिन वो 700-800 का रेट में जा रही थी, तो मैंने इसके लिए उसको बाई नहीं किया था, मुझे वर्थ नहीं लगी थी वो। लेकिन अभी इंडिया में इस टाइम आए, तो मैंने 170 में मिली, तो मैंने ले लिया है। तो इसमें देख सकते हो फ्रंट में माजदा का लोगो है, फिर हेडलैम्प्स का भी डिटेलिंग अच्छा दिया गया है, सस्पेंशन वगैरह का भी जो सेटअप है ना, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। साइड की बात करते हैं, तो ब्यूटीफुल सा रेड कलर का पेंट वर्क है, स्ट्राइप्स दिए गए हैं, और कैप्टन अमेरिका का लोगो लग रहा है मेरे को ये। यहाँ पे तो कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार देख के मैंने गेस कर लिया। और ऊपर के जो यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए ना कार्ड आर्ट पे, देखो लाइट वगैरह के, वो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं, मतलब यहाँ पे किधर भी दिया नहीं गया है ऊपर के जो रूफ लाइट्स है। और पीछे के साइड पे भी कुछ खास डिटेलिंग्स है नहीं, एक ट्रक बेड जैसा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो भाई। इट इज़ अ वेरी गुड कास्टिंग, और इसके जो व्हील्स है उसके लिए ये कास्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है, सो यू कैन कंसिडर दिस भाई। इट इज़ टोटली 9 out of 10। ओके, सो वन मोर फैंटेसी कास्टिंग। सो ये हांगकॉन्ग की जो बसेस आती है, इलेक्ट्रिक बसेस वो है। सो इसमें ये वो जो वाली है, मुझे बहुत ही क्यूट लगी, क्योंकि मुझे पेट्स बहुत पसंद है, और ये पेट्स ट्रांसपोर्ट करके हॉट व्हील्स ने ये सीरीज निकाली है, और ये बस पे ये थीम की गई है रेड ब्लैक और वाइट की, बहुत ही बेहतरीन है। फ्रंट में कोई हेडलैम्प या फिर कुछ भी लोगों नहीं है ना, ऊपर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वाइट रूफ दिया गया है, ब्लैक विंडोज़ है, ना पीछे भी कोई टेल लैम्प लोगो वगैरह कुछ भी डिटेल्स नहीं है, ना डिकैल्स है कुछ, लेकिन साइड में जो है ना परफेक्ट है, यहाँ पे पॉस का डिज़ाइन है, फिर यहाँ पे पेट ट्रांसपोर्ट लिखा है, उसके ऊपर हॉट व्हील्स का लोगो है, पीछे भी पॉस का लोगो है, तो ये बहुत ही बढ़िया लगी मुझे, क्यूट सी लगी, और इसको मैंने इसके लिए ऐड कर लिया। सो मूविंग ऑन टू द सेकेंड लास्ट कार, लास्ट कार के लिए बच्चे रहे गाइस, दैट इज मोस्ट 10 out of 10 कार, सो डोंट मिस इट। ओके, सो ये ब्यूटीफुल सी पर्पल पैशन जो लास्ट केस में, आई थिंक एन केस में हमने देखी थी, वो थी हीरो अटामक, और जो ड्रैग मॉक आई थी सिल्वर कलर में और एक ग्रीन कलर में, तो उसका ये एक फैंटेसी वर्जन कह सकते हो। तो ये किसने, तो भी SW डिजाइंड बाय एल वुड्स डिजाइन है, आई थिंक किसी ने डिजाइन की गई है। सो ये पर्पल पैशन है, और ये सेम जो हीरो अटामक है या फिर ड्रैग मक है, मतलब इसका जो ओरिजिनल नेम है वो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी ब्रांड से आती है, तो ये पर्पल पैशन है। इसके लिए ये जब भी लॉन्च होती है पर्पल कलर में लॉन्च होती है, लास्ट के ईयर में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी, आई थिंक BSE केस में ये रेगुलर ट्रेजर हंट थी, आई एम नॉट श्योर BSE केस में, कोई तो एक केस में ये रेगुलर ट्रेजर हंट थी, लेकिन वो इंडिया में कभी लॉन्च नहीं हुई थी, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और सामने के साइड पे देख सकते हो कुछ भी हेडलैम्प्स या फिर कुछ भी डिटेल्स या डिकैल्स नहीं है, लेकिन ये जो ग्रिल है आप देख सकते हो यहाँ पे, ऐसी ये एम्बॉस्ड की गई है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। साइड में जो है वो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे इसका लो राइडर किया गया है, तो पीछे का फेंडर से इसका जो हाफ व्हील है वही दिखता है, और वहाँ पे व्हाइट और ब्लू कलर के स्ट्राइप्स दिख रहे हैं, और इस पे जो काम किया गया है पिन स्ट्रैपिंग की जो डिटेल्स है, पिन स्ट्रैप बोलते हैं इसको ऐसा, तो वो जो किया गया है, तो ऊपर हाफ जो पेंट है वो पर्पल है, और पिन स्ट्रैप के, और नीचे का जो है वो ब्लैक किया गया है, पिन स्ट्रैप की डिटेल्स अच्छी है, पीछे भी ग्राफिटी वगैरह अच्छी की गई है, और व्हाइट वॉल्स के जो व्हील है परफेक्ट लग रहे हैं, क्लासिक के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप हॉट व्हील्स का लोगो है, और एलवुड्स डिज़ाइन, तो वो जिसने डिज़ाइन किया उसका नाम लिखा है, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, सो सॉरी। और इसमें व्हाइट कलर का इंटीरियर है गाइस, बहुत ही क्लासी लग रहा है आप देख सकते हो, और बोनेट पे भी अच्छे ग्राफिटी और पिन स्ट्रैपिंग्स की गई है। और ये जो 2025 का जो AKS है गाइस, बहुत ही अच्छा है, इसमें जो कार्ड आर्ट चेंज हुआ है थोड़ा सा अगला अलग लग रहा है, रिफ्रेश लग रहा है, सो ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी कार्स पे ना लैमिनेशन भी किया गया पीछे के साइड पे, तो वो एक अच्छी बात है।
और बहुत सारी कार्स SW लेट्स रेस सीरीज से आई है, वो पता नहीं क्यों। सो अभी जस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, और ये सबसे फेवरेट और सबसे हाइप्ड कार है 2025 के एक इसमें, और लोग इसके पीछे पागल हो रहे। लेकिन अपने पास वो है और आई एम फीलिंग वेरी लकी दैट वो मेरे पास है, तो इसके लिए मैंने उसको लास्ट में बचा के लिए रखा था। तो गेस कर सकते हो गाइस नेम से, टड़ा फाइनली वी हैव द हॉट व्हील्स फास्ट एंड द फ्यूरियस सीरीज में से, SW स्क्रीन टाइम में से आई है द ब्यूटीफुल निसान स्काईलाइन GTR, और वो भी BNR R32 इन द परफेक्ट ब्लैक शेड, ब्लैक कलर में आई है, मैट ब्लैक शेड है। तो इसके लिए भी लोग बहुत दीवाने हैं ये गाड़ी के, और इसके लिए अभी लोग प्राइस पे करने को रेडी है, लेकिन मेरे पास फिलहाल एक ही है तो इसके लिए मैं इसको सेल नहीं करने वाला हूँ। बहुत ही मुश्किल से मिली है, और इसके जहाँ पे भी है स्टॉक आउट हो चुका है, तो ये गाड़ी बहुत ही मुश्किल से मिल रही है। आई एम फीलिंग वेरी लकी एंड ब्लेस्ड दैट आई हैव दिस कार, और बाकी की जो भी है तो वो भी मुझे सब एक साथ मिली है और एक ही जगह पे मिली, तो आई एम वेरी लकी। और मुझे सामने मैंने बॉक्स खोला तो मैंने सब उठा लिया है, तो सामने के साइड पे देख सकते हो कुछ भी हेडलैम्प्स की डिटेलिंग्स नहीं है, ना लोगो है, ना ग्रिल वगैरह पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेसिक है। और साइड में भी कुछ खास डिटेलिंग्स है नहीं, सिर्फ यहाँ पे GTR का लोगो है छोटू सा रेड कलर में, और ब्लैक व्हील्स है, मैट ब्लैक का जो शेड है, मैट ब्लैक और थोड़ा सा ग्लॉसी ऐसा ब्लैक ग्रे शेड है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बेहतरीन है। और पीछे की साइड पे परफेक्ट डिटेलिंग्स है, यहाँ पे स्काईलाइन लिखा है, ऊपर GTR लिखा है, इधर निसान लिखा है, फिर यहाँ पे डिटेल्स वगैरह भी है, और ऊपर भी सब टेल लैम्प्स की भी डिटेलिंग्स है। सो दिस इज अ 10/10 कार फॉर मी, बिकॉज ये फर्स्ट ये GTR है और R32 है, बहुत ही मुश्किल से आती है। SW स्क्रीन टाइम सीरीज है इसके लिए, ब्लैक कलर में इसके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज से इसके लिए मैंने इसको परचेस किया, तो इट इज़ अ परफेक्ट 10/10 कास्टिंग। और अगर मैं मेरी फेवरेट्स बताऊँ तो सबसे पहले आती है निसान स्काईलाइन BNR R32, फिर मॉर्गन की सुपर 3, फिर ये हांगकॉन्ग की जो बस है वो पेट ट्रांसपोर्ट वाली, वो माजदा ऑटोजाम, तो ये चार बोलीड को भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, बोलीड सो पहले ये छह गाड़ियां हैं, फोर्ड परफॉर्मेंस सुपर वन फोर्स, होंडा सिविक और ब्यूटीफुल सी बुगाटी बोलीड, ये जो हमारी पेट ट्रांसपोर्ट वाली हांगकॉन्ग वाली बस है वो सुपर मॉर्गन 3, और फास्ट एंड फ्यूरियस वाली निसान स्काईलाइन GTR, माजदा की ऑटोजाम, ब्यूटीफुल सी टेस्ला मॉडल एस प्लेड, हमारी ब्यूटीफुल सी ऑडी क्वाट्रो जो STH का मेन लाइन वर्जन है वो, टेस्ला साइबर ट्रक और शेवी C10, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शेवी फ्लिटवुड और फोर्ड ब्रोंको। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट डाउन विच इज योर फेवरेट कार फ्रॉम द 2025 ए केस, और आपको इनमें से कौन सी चाहिए वो आप कमेंट डाउन कीजिए। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, टिल देन लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब, एंड आई थिंक इंडिया में सबसे पहले ए केस की जो सारी कार्स है वो मैंने कवर अप की है, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो, बहुत ही मेहनत और मुश्किल से हमें गाड़ियाँ मिली है, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर विच फेवरेट इज योर। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय।